नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कफ यानी कि खांसी के बारे में। मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि जैसे जब भी उसे खांसी होती है तो अपनी खांसी ठीक करने के लिए वो मेडिकल स्टोर से कोई ना कोई कफ सिरप ले आते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम पहले मैंने न्यूज़पेपर में एक खबर पढ़ी थी कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे कफ सिरप पर बैन लगा दिया है, क्योंकि वो कफ सिरप से लोगों के हार्ट, किडनी और लीवर डैमेज हो रहे थे। तो आज इसी पर्पज़ से मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी खांसी ठीक करने के लिए होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके लिए मैं आपको कफ पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री में बहुत सारी मेडिसिन के बारे में बता दूंगी, जिससे आप अपनी खांसी खुद घर पर ही ठीक कर सकें। दोस्तों, कफ मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एक्यूट या क्रॉनिक। एक्यूट मतलब कि आपको कुछ ही दिनों से खांसी आ रही है, 4-5 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन से खांसी आ रही है। लेकिन अगर आपको बहुत लंबे टाइम से खांसी है, 4-5 महीने से है, या फिर आपको बार बार खांसी आती रहती है, किसी भी एलर्जिक प्रॉब्लम से आपकी खांसी बढ़ जाती है, जैसे कि धूल मिट्टी धुआं लग गया, या फिर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम की स्मेल आ गई, या फिर जैसे ही वेदर चेंज होता है आपको खांसी शुरू हो जाती है, कोल्ड वेदर में या रेनी वेदर में आपको खांसी आने लगती है, अगर आपको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस का प्रॉब्लम है, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है, या फिर किसी भी कार्डियक प्रॉब्लम से आपको खांसी बार बार आती रहती है, तो आपको क्रॉनिक कफ है। और अगर आपको क्रॉनिक कफ है तो हो सकता है कि आपको ये मेडिसिन टेम्पररी तो रिलीफ करे, लेकिन परमानेंटली ठीक ना भी हो। परमानेंटली ठीक करने के लिए हम पेशेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकाल कर देते हैं। उसके लिए पेशेंट की पूरी हिस्ट्री डिटेल में लेते हैं और बाद में उसकी मेडिसिन देते हैं, जिससे कि पेशेंट को परमानेंटली ठीक हो जाए। लेकिन अगर आपको एक्यूट कफ है और आपके सिम्टम्स मैं जो मेडिसिन बताने जा रही हूँ उससे मैच होते हैं, तो आप जरूर ये मेडिसिन लीजिए, आपको परमानेंटली ठीक हो जाएगा। पहला सिम्टम्स है प्रोट्रूडिंग टंग वाइल कफिंग, मतलब कि जब भी पेशेंट खांसता है तो खांसते खांसते वो अपनी जबान बाहर निकालता है, उसकी जबान ऑटोमेटिक बाहर आ ही जाती है। अगर ये सिम्टम्स है तो आपको दवाई लेनी है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम पेशेंट जो होता है उसे गर्मी बहुत लगती है, उसे पानी की प्यास बहुत कम लगती है, और उसे गर्म खाना पीना अच्छा लगता है, और कुछ भी गर्म खाने पीने से उसको खांसी में आराम मिलता है। और अगर किसी को पास्ट में निमोनिया हो गया है, वो निमोनिया पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है, मतलब कि अनरिजॉल्व केसेस ऑफ निमोनिया है और उसकी वजह से बार बार खांसी आती है, तो भी लाइकोपोडियम दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। नेक्स्ट सिम्टम्स है कफ फ्रॉम एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड विंड, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा मुंह पर या चेस्ट पर लगने के बाद खांसी शुरू हो गई है, तो ऐसे में आपको दवाई लेनी है एकोनाइट। एकोनाइट का बच्चा जो होता है वो जब भी खांसता है तो हाथ से अपना गला पकड़ लेता है, बच्चा बहुत ही रेस्टलेस होता है, बहुत ही एंग्जियस और क्रैंकी होता है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको एकोनाइट देनी है, लेकिन एकोनाइट हमेशा फर्स्ट स्टेज में ही देनी है, मतलब कि जैसे ही खांसी और फीवर शुरू होते हैं तो आपको 2-4 घंटे में ये दवाई देनी है। अगर ठंडी हवा लगने के बाद 2-3 दिन निकल चुके हैं और आपको ठीक येलोइश कलर का स्पूटम निकलने लगा है, बहुत ज़्यादा गले में प्रॉब्लम शुरू हो गया है, गला बैठ गया है, लॉस ऑफ वॉइस हो गया है, अगर ये सब सिम्टम्स हो तो आपको दवाई लेनी है हेपारसॉल्ट। हेपारसॉल्ट पेशेंट छोड़ता है उससे बिल्कुल ही ठंडी बर्दाश्त नहीं होती है, जरा भी ठंडी हवा लगने से उसको खांसी बढ़ जाती है, कुछ भी वो ठंडा खा पी लेता है तो भी उसको खांसी बढ़ जाती है, और उसकी वजह से पेशेंट्स पूरा बॉडी हेड टू फुट कवर करके ही सोता है। पेशेंट्स को पसीना भी बहुत ज़्यादा होता है, उसके बावजूद भी वो अपना बॉडी कवर करके सोता है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको दवाई लेनी है हेपारसॉल्ट। नेक्स्ट सिम्टम्स है कफ फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर वाइल बीइंग ओवरहीटेड, मतलब कि जब पेशेंट का बॉडी बहुत ही गर्म होता है उस वक्त वो ठंडा ठंडा पानी पी लेता है। छोटा बच्चा भी है, अगर वो खेलने के बाद पसीने से पूरा भीगा होता है और उसके बाद वो अगर ठंडा पानी पी लेता है और उसके बाद उसे खांसी हो जाती है, तो उसके लिए मेडिसिन है ब्रायोनिया। ब्रायोनिया पेशेंट है उसको पूरा ड्राइनेस फील होता है गले में और चेस्ट में, उसे पूरा ड्राइनेस फील होता है और उसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ठंडा पानी उसको बार बार पीने की इच्छा होती है, और उसको कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। पेशेंट जब भी खांसता है तो दोनों हाथों से या तो वो अपना सर पकड़ता है या चेस्ट पकड़ लेता है, क्योंकि उसको जरा से भी मूवमेंट से उसको पेन बढ़ता है, थोड़ी सी भी मूवमेंट से भी उसकी खांसी बढ़ती है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो आपको दवाई लेनी है ब्रायोनिया। नेक्स्ट सिम्टम्स है कफ ड्यूरिंग स्लीप विदाउट वेकिंग, स्पेशली इन चिल्ड्रन, मतलब कि बच्चों को
नींद में ही खांसी आती रहती है, पेशेंट जगता भी नहीं है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है कि उसे खांसी आती है, वो सोया ही रहता है और उसको कॉन्स्टेंटली खांसी आती रहती है। अगर ये सिम्टम्स है तो हमारे पास दो मेडिसिन है, साइक्लामिन और कैमोमिला। साइक्लामिन पेशेंट जो होता है वो बहुत ही माइल्ड स्वभाव का होता है और पार्ट पार्ट पे होता है, लेकिन अगर बहुत ही इरिटेबल बच्चा है, बहुत ही चिड़चिड़ापन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें डिमांड करता है और जब आप उसको वो चीज़ें देते हो तो उसे रिफ्यूज़ करता है, पेशेंट चाहता है कि आप उसे कॉन्स्टेंटली उठाकर घुमाया करो, बस आप जैसे उसको उठाकर घुमा दे तब पेशेंट शांत होता है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो हमें दवाई देनी है कैमोमिला। नेक्स्ट सिम्टम्स है कफ बेटर बाय वॉमिटिंग, मतलब कि पेशेंट्स को इतनी खांसी आती है कि खांसते खांसते उसको वॉमिट हो जाती है, और जैसे ही पेशेंट्स को वॉमिट होती है उसकी खांसी ठीक हो जाती है। अगर ये सब ये सिम्टम्स है तो हमें दवाई देनी है मेसेरियम। मेसेरियम पेशेंट जो होता है उससे कुछ भी गर्म खाने से उसकी खांसी बढ़ जाती है, लेकिन अगर कॉन्स्टेंटली नोसिया एंड वॉमिटिंग है, बहुत ही ज़्यादा नोसिया एंड वॉमिटिंग लगातार आते ही रहते हैं, तो हमें दवाई देनी है इपिका। इपिका पेशेंट जो होता है उसको जब खांसता है तो लगता है कि उसके दोनों लंग्स में बहुत सारा बलगम भरा हुआ है, लेकिन पेशेंट निकाल नहीं पाता है, उसके लिए उसको बहुत ही ज़्यादा स्पास्मोडिक वायरल खांसी आती है, खांसते खांसते पेशेंट ब्लू हो जाता है, कभी कभी नाक से और मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है, कभी कभी कम्प्लीटली लॉस ऑफ वॉइस हो जाता है, इतनी ज़्यादा खांसी आती है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो हमें देनी है दवाई इपिका। एंटीमटाइट का पेशेंट जो होता है उसको भी दोनों लंग्स में पूरा बलगम भरा हुआ रहता है और बहुत खांसता है, खांसते 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 इतना खांसता है कि खांसते खांसने के बाद उसे वॉमिट होती है और वॉमिट में वो उसको बहुत सारा कफ निकालता है और उसके बाद उसकी वॉमिट ठीक होती है। अगर ये सिर्फ सिम्टम्स है तो हमें दवाई देनी है एंटीमटाइट। एंटीमटाइट का पेशेंट होता है उसकी टंग पर मिल्की वाइट कोटिंग रहता है और इपिका पेशेंट की टंग एकदम क्लीन रहती है, दोनों पेशेंट्स थर्सलेस है, लेकिन एंटीमटाइट पेशेंट होता है उसमें डेबिलिटी मतलब कि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है उसको और उसको ड्राउसीनेस बहुत रहती है, मतलब कि पेशेंट्स को बहुत ही ज़्यादा नींद आती रहती है। अगर आप ये सब सिम्टम्स है तो हमें दवाई देनी है एंटीमटाइट। नेक्स्ट सिम्टम्स है कफ एज सून एज हेड टचेस द पिलो, मतलब कि पेशेंट्स को पूरे दिन में तो कम खांसी आती है या बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन जैसे ही पेशेंट रात को सोने जाता है, जैसे ही वो अपना सर तकिए पे रखता है, उसे फौरन खांसी शुरू हो जाती है। तो उसमें तीन मेडिसिन है, ड्रोसेरा कैप्सिकम और कोनायम। ड्रोसेरा पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा वूपिंग कफ टाइप की खांसी आती है और पेशेंट्स को इतनी ज़्यादा खांसी होती है कि उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, सांस भी पेशेंट हार्डली ले पाता है और खांसते खांसते उसको भी नाक से या मुंह से ब्लड निकलने लगता है और जब खांसते खांसते वो बहुत सारा बलगम निकालते तब भी उसकी खांसी ठीक होती है। अगर ये सब सिम्टम्स है तो हमें दवाई देनी है ड्रोसेरा। और कोनायम पेशेंट है, कोनायम मेडिसिन है वो ज़्यादातर ओल्ड एज पेशेंट में दी जाती है और पेशेंट जैसे ही सोता है उसको खांसी शुरू हो जाती है और थोड़ा सा बलगम निकालने के बाद पेशेंट्स को आराम मिलता है। अगर ये सब सिम्टम है तो हमें दवाई देनी है कोनायम। और कैप्सिकम का पेशेंट जो है उसे खांसते वक्त कहीं डिस्टेंट पार्ट में पेन होता है, खांसते खांसते या तो उसको ईयर में पेन हो रहा है या ब्लेडर में पेन हो रहा है या लेग्स में पेन हो रहा है, अगर इस तरह का सिम्टम है तो हमें दवाई देनी है कैप्सिकम। नेक्स्ट मेडिसिन है र्यूमेक्स। र्यूमेक्स पेशेंट को कॉन्स्टेंटली गले में कुछ लंप जैसा लग रहा है, वो लंप वो ना तो स्वेलो कर पा रहा है ना उसे बाहर निकल पा रहा है, अगर स्वेलो कर भी दिया तो वो लंप वापस आ जाता है, उसको थ्रोट में एक पॉइंट पर इरिटेशन जैसा लगता है या फिर चेस्ट में पर्टिकुलरली लेफ्ट साइड पर उसको इरिटेशन जैसा लगता है और उसकी वजह से उसको कॉन्स्टेंटली खांसी आती है। और र्यूमेक्स पेशेंट जो होता है उसको थोड़ी सी भी हवा ठंडी हवा इनहेल करने से उसकी खांसी बढ़ जाती है और उसके कारण पेशेंट कॉन्स्टेंटली अपना मुंह और नाक रुमाल से कवर करके रखता है। अगर ये सिम्टम देखने को मिले तो आपको र्यूमेक्स देनी है। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको ये मेडिसिन लेनी कैसे है। छोटे बच्चे हैं तो उसको 30 पोटेंसी में देनी है और बड़ों को आपको 200 पोटेंसी में देनी है। पहले 5 गोली एक बार दे दीजिए और उसके बाद 5 गोली आपको वाटर पोटेंसी में देनी है, मतलब कि 50 ml पानी में 5 गोली डायलूट कर दीजिए और उसमें से एक एक चम्मच पानी दिन में 3-4 बार आप ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो बहुत ही यूजफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।